So I'm wondering if there is a, if there is someone from the national security establishment sitting in this little box. I looked into this a little bit. Okay. Like laptop, dekhao. Just get a chair. No. So here's his website, right? And we have our capabilities, unmanned systems, Right. Counter drone systems, small arms and accessories. So let's look at small arms. Okay. We go to small arms. Now, this thing, right, which they've called Abhay, is basically a it's a Tavor. It's an Israeli rifle. How do you know that? I'll show it to you. Look. Right? That's a Tavor. Oh. Right? That's the weapon there. Okay? Right. And that's his weapon. This is a 9mm version. So here he's got a 5.56 version. And he's called it Abhay. So it's basically taken the website of the Israeli company, called it Adani Defense, put new labels on it, Prahar, Drishti and all. And then now he's become the number one sales guy to the defense. He's only manufacturing names. That's it. He just makes the nameplate. Right. So that's something that... Now I want to understand what is the connection between this lady and this. So right? Is he assembling? No, he's literally taking the Israeli weapon, maybe assembling it. And Adani gets the commission directly and the BJP gets the commission. Right. So it's a bypass of that entire structure. Right. If you look at this thing called the Prahar, and so I go here and I say Israeli light machine gun. We have something called the Negev. Right, and guess what? Here it is. See, here's the Negev. Right? And what's interesting is it looks exactly the same. Maine socha nahi tha ki aisa bhi ho sakta hai. Ye undermine karta hai do cheeze. Desh ki suraksha ko और नौजवान के भविष्य को. राहुल जी लगातार अग्निवीरों से आप देखते हैं मिल भी रहे हैं और सरकार को बार बार कॉर्नर इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो देश की सुरक्षा के साथ और नौजवानों के भविष्य के साथ आप क्यों खेल रहे हो. जो पैसा हमारे जवानों के ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था और हमारे जवानों के कॉम्पेंसेशन के लिए जाता था, और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा, अदानी डिफेंस. अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है, इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है. यह है सिस्टम. ट्रेडिशनली डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष और मीडिया का एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग होती है. मीडिया मुद्दे लाकर देता है विपक्ष को या विपक्ष मुद्दे लाकर देता है मीडिया को, और लोकतंत्र को वो लोग रोबस्ट रखते हैं, जिंदा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं. आपके पास फ्री प्रेस नहीं है तो कैमरा घूमेगा नहीं, कैमरा एक पे फोकस हो जाएगा. सिस्टम में कैमरा के पीछे कंपनीज हैं. अब कंपनीज पर आप दबाव डाल सकते हो, ईडी का प्रेशर डाल सकते हो, कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो. बैजिल कैमरा का मालिक है ना. बैजिल इधर आओ. अब देखो मैं कराता हूं, इधर आओ. जैसे बैजिल आया, ये मालिक है उसका. हाँ, अब ये देखो लगवाओ कैमरा वहां भाई, कैमरा लगाओ ना वहां, कैमरा लगवाओ. नहीं तो हाथ टूटेगा. ये आ गया, हो गया काम. अब ये अगर ज्यादा बोलेगा तो हाथ टूट जाएगा. ओके भैया, तो ये चल रहा है. तो पावर को इन्होंने कैसे सेपरेट किया, इन्होंने अपने लोगों को सारे इंस्टीट्यूशन में डाल दिया, ईडी में डाल दिया, सीबीआई में डाल दिया, इनकम टैक्स में डाल दिया, एजुकेशन सेबी में डाल दिया, माधवी बुच. तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर दिए, चाहे ये कैमरा डालना चाहते हैं डाल देते हैं. SEBI chief Madhavi Puri Butch has skipped the Parliamentary Accounts Committee deposition scheduled for October 24th. ये हैरानी की बात है. आप और मैं एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो हमारे को इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, हमको चालान आ जाते हैं, हमको कई चीजें सामना करना पड़ता है. लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ी गई, उसके बाद भी अपनी पोस्ट पर हैं, उनको कोई बचा रहा है तो पक्का है कि कोई बड़ा ही आदमी बचा रहा होगा. अब वो बड़ा आदमी कौन है,
सबके सामने, सबको मालूम है।